दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही चैनल सोशल बीकू पे। आप सभी को बताना चाहेंगे कि अब तक का सबसे बड़ा जो खबर निकल के आ रहा है ईपीएस 95 पेंशनर्स के हवाले, वो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको देने वाला हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है और बहुत महत्वपूर्ण खबर जो है ईपीएस पेंशनर्स के निकल के लिए आ रही है। आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा ताकि ये महत्वपूर्ण जानकारी जो कि आने वाले प्रोग्राम जो है उसके लिए डिसाइड हो चुका है वो मैं आपको इस वीडियो के हवाले देने वाला हूं। तो शुरू से अंत तक देखिए, आइए शुरू करते हैं और जानते हैं कि क्या महत्वपूर्ण जो है खबर निकल के आ रही है। जैसा कि आप सभी को पता है कि 4 से लेकर 7 दिसंबर तक बड़े पैमाने पर ईपीएस 95 पेंशनर्स का हल्ला बोल कार्यक्रम है। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे सामने बहुत महत्वपूर्ण खबर है, शुरू से अंत तक देखिएगा। तो आपको बताते हैं कि कृपया ध्यान दीजिए, नम्र निवेदन है, दिल्ली में प्रस्तावित 4 से 7 दिसंबर 2019 के आंदोलन के लिए रेल टिकट आज से ही बुक करना शुरू करें। अगर हमारी मांगें उसके पहले मंजूर की जाती हैं तो हम 7 दिसंबर को विजय दिवस उत्सव मनाएंगे, नहीं तो 4 से 6 दिसंबर तक दिल्ली में विविध प्रकार के आंदोलन दिल्ली व उत्तर क्षेत्र के पेंशनधारक करेंगे। वह 7 दिसंबर 2019 को दिल्ली में रास्ता रोको आंदोलन देश भर के लाखों पेंशनर्स धारकों द्वारा किया जाएगा, इसलिए हमें आज ही टिकट बुक करवानी शुरू करनी पड़ेगी। तो महत्वपूर्ण जानकारी है, आपको बता दें कि 4 से 7 दिसंबर तक जो है प्रस्तावित है। और ये उन भाई बंधु के लिए जो कि केरल और बाकी अन्य जगहों से बिलोंग करते हैं, मैं उनके लिए भी एक बार ट्रांसलेट कर देता हूँ उसे इंग्लिश में। फॉर काइंड अटेंशन टू ऑल ईपीएस 95 पेंशनर्स एंड मेंबर्स, हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज अरेंज स्टार्ट बुकिंग योर ट्रेन टिकट्स फॉर द प्रपोज्ड एविएशन मोमेंट डेट फ्रॉम 4 to 7 December 2019 इन दिल्ली फ्रॉम टूडे। फॉर अवर डिमांड्स आर रिजॉल्व बिफोर देन दैट वी विल सेलिब्रेट एज अ विजय उत्सव ऑन 7 December, अदरवाइज फ्रॉम द डेट 4 to 6 द वेरियस टाइप ऑफ एविएशन विल बी ऑर्गेनाइज इन दिल्ली बाई दिल्ली एंड नॉर्थ रीजन पेंशन होल्डर्स एंड ऑन डेट 7 December 2019 इन दिल्ली। रास्ता रोको मूवमेंट विल बी डन बाई द मिलियंस ऑफ पेंशन होल्डर्स फ्रॉम ऑल स्टेट ऑफ द कंट्री, दैट इज़ वाई वी नीड बुक टिकट्स फ्रॉम टूडे ऑनवर्ड्स। सो ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। अभी के लिए बढ़ते हैं अगली जानकारी के लिए जो महत्वपूर्ण और बहुत खास इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है। तो ये प्रस्तावित जो रेल रोको आंदोलन है, रास्ता रोको आंदोलन है, ये 4 से 6 दिसंबर 7 दिसंबर तक जो है प्रस्तावित है। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। बड़ी खबर आप देख सकते हैं कि यहाँ से निकल के आ रही है 28 अगस्त 2019 के लिए, और ये महत्वपूर्ण खबर है। पेंशन धारकों की 30 दिनों के भीतर मांग पूरी न करने का अल्टीमेटम जो है सरकार को दिया जा चुका है। ये बहुत बड़ी खबर है। आपको बता दें कि ईपीएस 95 संघर्ष समिति के द्वारा निकल के आ रही है, और जिसमें कि ईपीएस 95 संघर्ष समिति शुरू करेगी 1 नवंबर से बहुत बड़ा आंदोलन। ये गुड़गांव से खबर निकल के आ रही है, सेवानिवृत्त केंद्रीय कर्मचारी का प्रतिनिधित्व करने वाली ऑल इंडिया ईपीएस 95 पेंशनर संघर्ष समिति द्वारा पेंशनर्स की मांगों को लेकर विभिन्न प्रदेशों में सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है ताकि केंद्र सरकार पर दबाव बनाकर पेंशनर्स की मांगों को पूरा कराया जा सके। संस्था के अध्यक्ष अशोक रावत ने बताया कि पेंशनर संस्था के बैनर तले पिछले कई वर्षों से पेंशन वृद्धि की मांग करते आ रहे हैं। राजधानी दिल्ली सहित अन्य प्रदेशों में भी धरना प्रदर्शन किया जा चुका है। आमरण अनशन अनशन तक भी किया जा चुका है, जो केंद्रीय मंत्रियों व लोकसभा सदस्यों के आश्वासन के बाद ही समाप्त किया गया था। लेकिन इस सब के बावजूद भी पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि नहीं की गई है। जिंदगी के आखिरी पड़ाव में इन पेंशनर्स को बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि गत 24 अगस्त को महाराष्ट्र के नांदेड़ में संस्था के कार्यकारिणी की बैठक में निर्णय लिया गया कि यदि आगामी 30 दिनों के अंदर पेंशनधारकों की मांग नहीं मानी जाती है तो आंदोलन को और अधिक तेज किया जाएगा। आगामी 1 नवंबर से 7 नवंबर तक ग्राम, तहसील, जिला, प्रदेश व राष्ट्र स्तर पर आंदोलन होगा। 4 दिसंबर से दिल्ली में आंदोलन शुरू किया जाएगा। 7 दिसंबर को दिल्ली के प्रमुख स्थानों पर रास्ता रोको आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार के समक्ष सभी विकल्प खुले हैं। गौरतलब है कि पेंशनधारक वर्ष 2013 की कोशिया समिति की सिफारिशों के अनुसार 7,500 रुपये मासिक पेंशन व उस पर 5,000 रुपये महंगाई भत्ते, सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार वास्तविक वेतन पर उच्चतम पेंशन की मांग करते आ रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं, गुड़गांव से खबर निकल के आ रही थी। अब बढ़ता हूँ मैं आपको इसी के कड़ी में अगला जो है खबर निकल के आ रही है, जिस जो है प्रिंट मीडिया ने इसको कवर किया वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ।
तो ये आप देख सकते हैं, अगला जो प्रिंट मीडिया है उसने कवर किया हुआ है इसको, गुड़गांव से ही, और इसमें क्लियरली मेंशन किया गया पेंशन धारकों की 30 दिनों के भीतर मांग पूरी न करने पर होगा बड़ा अनशन। तो EPS 95 पेंशन धारक समिति शुरू करेगी 1 नवंबर से बहुत बड़ा आंदोलन, इसमें आप क्लियरली देख सकते हो। और ये बता दो कि ये दूसरा जो है पेपर का कटिंग है जो कि प्रिंट मीडिया के द्वारा इसको प्रिंट किया गया है, और इसमें भी आपको बता दें कि सेम जो है कंटेंट है, और जिसमें कि पेंशनर्स की समस्याओं से अवगत कराया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। राजधानी दिल्ली सहित अन्य प्रदेशों में भी धरना प्रदर्शन किए जा चुके हैं, आमरण अनशन तक भी किया जा चुका है, जो केंद्रीय मंत्रियों व लोकसभा सदस्यों के आश्वासन के बाद ही समाप्त किया गया था। लेकिन इस सबके बावजूद भी पेंशनर्स की पेंशन वृद्धि नहीं की गई है, जिंदगी के आखिरी पड़ाव पे इन पेंशनर्स की बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। तो आप देख सकते हैं, अगला बढ़ते हैं, मैं आपको अगला दिखाऊं, देख सकते हैं भास्कर न्यूज, दैनिक भास्कर जिसका कि न्यूज़पेपर छपता है, उसने भी उस न्यूज़पेपर ने इसको कवर किया हुआ है, जिसका हेडिंग दिया गया है EPS 95 पेंशनर संघर्ष समिति शुरू करेगी 1 नवंबर से आंदोलन, 4 दिसंबर से दिल्ली में शुरू किया जाएगा आंदोलन। और आप देख सकते हैं कि इसमें भी प्रिंट किया गया दैनिक भास्कर द्वारा, ये गुड़गांव में खबर छपा हुआ है, यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं। और हालांकि आपको बता दें कि सब में जो प्रिंट मीडिया उसने हेडिंग अलग अलग लिया है, लेकिन जो न्यूज़ है पूरा कवर किया गया है, और इसमें बकायदा इसमें पूरा इन्फॉर्मेशन जो है EPS 95 पेंशनर्स के लिए बड़े पैमाने पे बड़ा जो आप बोल सकते हो कि धरना प्रदर्शन करने की जो संभावनाएं बढ़ती जा रही है EPS 95 पेंशनर्स के लिए, और इस सब संभावनाओं के बीच जो है मांग अवश्य ही पूरा होगा ऐसा प्रतीत होने लगा है। बढ़ते हैं अगले पोस्ट की तरफ, तो आप ये देख सकते हैं ये अमर उजाला द्वारा कवर किया गया, जिसमें पेंशन धारकों की 30 दिनों के भीतर मांग पूरी न करने पर होगा आंदोलन। आप क्लियरली यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेंशन किया गया EPS 95 पेंशनर्स राष्ट्रीय संघर्ष समिति शुरू करेगी 1 नवंबर से बड़ा आंदोलन। तो विभिन्न आपको मैंने दिखाया कि विभिन्न जो न्यूज़पेपर्स हैं, विभिन्न जो प्रिंट मीडिया हैं, जिनके न्यूज़ का बहुत बड़ा राष्ट्रीय स्तर पर इम्पैक्ट पड़ता है, या फिर आप बोल सकते हैं इंस्टीट्यूशन पर इसका बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, उन्होंने इसको बकायदा कवर किया हुआ है, इसमें पूरी समस्याओं से भी अवगत कराया है। आगे दिखाऊं तो मैं आपको कुछ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि EPS 95 कुछ नेशन जो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया होती है उन्होंने भी इसको कवर किया है। अगला देख सकते हैं आप कि दिल्ली से ही कवर किया गया EPS 95 पेंशनर्स की 30 दिन में नहीं मांगे तो तेज होंगे आंदोलन, दिल्ली में रोकेंगे रास्ता, लगाएंगे जाम। तो क्लियरली जो पेंशनर्स हैं उन्होंने ये बात बता दिया है, चूँकि आपको बता दें कि पेंशनर्स की जो संख्या है हर एक एलिगेशन में दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है उनकी मांगे, और ये कहीं ना कहीं अब बहुत अधिक जोर पकड़ना शुरू कर दिया है, जिसका कहीं ना कहीं प्रभाव जो है सरकार और बाकी EPFO जैसी संस्थाओं के ऊपर जरूर पड़ेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इन्होंने भी कवर किया हुआ है इस, ये भी प्रिंट मीडिया जिसने क्लियरली कवर किया, और यहाँ पर जो है आप देख सकते हो कि पिक्चर्स भी जो पेंशनर्स की संख्या के बारे में यहाँ पर क्लियरली दिखाया कि कितनी बड़ी संख्या में, जैसा कि सभी को पता है कि 25 अगस्त को जो है राष्ट्रीय अधिवेशन संपन्न हुआ, जहां पर EPS 95 पेंशनर्स की बहुत बड़ी संख्या में जो है उपस्थिति दर्ज कराई गई पेंशनर्स के द्वारा। तो आप ये देख सकते हैं कि कितनी अधिक संख्या में जो है यहां पर उपस्थित रहे, उस प्रिंट को, उस इमेज को यहां पर इन्होंने प्रिंट मीडिया में डाला गया है। और आपको बता दें कि इसमें जो कंटेंट्स हैं वो सारे वही हैं जिसमें कि EPS 95 पेंशनर्स की मांगों को लेकर है। तो ये विभिन्न प्रकार के जो है ये प्रिंट मीडिया हैं। बढ़ते हैं, ये देखिए टाइम्स नाउ सहा टाइम्स संवाददाता हैं, और इन्होंने भी इसको कवर किया हुआ, पेंशन धारकों की राष्ट्रीय संघर्ष समिति का राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित किया जाएगा। तो मैं आपको कई प्रकार के दिखा रहा हूँ जो जो न्यूज़ मीडिया, जो जो प्रिंट मीडिया है जिसने जिसने भी कवर किया है, वो मैं आपको यहाँ पर इस चीज़ को बता रहा हूँ कि 1 नवंबर से बहुत बड़े पैमाने पर जो है यहाँ पर शुरू होने वाला है। 30 दिन का जो समय है सरकार और इंस्टीट्यूशंस को दिया गया है कि 30 दिन के अंदर मांगें अगर पूरी नहीं की गई तो 1 नवंबर से बड़े पैमाने पर कार्यक्रम होगा, और 4 से लेकर 7 दिसंबर तक दिल्ली में बहुत बड़ा कार्यक्रम संपन्न किया जाएगा और रास्ता भी रोका जाएगा अगर मांगे नहीं मांगी गई तो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि EPS 95 के पेंशन धारकों की राष्ट्रीय संघर्ष समिति NAC का राष्ट्रीय अधिवेशन माननीय कमांडर अशोक राउत की अगुवाई में महाराष्ट्र के नांदेड़ में गुरुद्वारा श्री लंगर साहिब में आयोजित किया गया था। इस अधिवेशन में देश भर के विभिन्न भागों से आए समिति के सदस्यों और 10,000 से ज़्यादा EPS 95 पेंशनर्स, यहाँ पर देख सकते हैं आप क्लियरली मेंशन किया गया है, ने हिस्सा लिया। इसमें महिलाएं विशेष तौर पर मौजूद थी। कमांडर राउत अधिवेशन में नांडे में 24 अगस्त को कार्यकारिणी बैठक के लिए आए फैसले के बारे में बताते हुए कहा,
अगर 30 दिन में पेंशन धारकों की मांगों को नहीं मानी जाती है तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। इसके बाद के तहत 1 नवंबर से 7 नवंबर तक हर ग्राम, तहसील और जिला में भी जो प्रदर्शन रहेगा और राष्ट्रीय स्तर पर भी आंदोलन किया जाएगा। 4 दिसंबर से दिल्ली में विविध जगह आंदोलन किए जाएंगे 7 दिसंबर तक। तो ये आप देख सकते हैं, गुरुद्वारा लंगर साहिब समिति के संत बाबा मुरारजी दीप प्रज्वलित कर अधिवेशन की शुरुआत की थी। कमांडर अशोक राउत ने संत बाबा मुरारजी का सम्मान किया। इस अवसर पर दिवंगत पेंशन धारकों को मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। महाराष्ट्र के नांदेड़ में बीजेपी सांसद माननीय प्रताप पाटिल चिखलीकर ने कहा कि पेंशन धारकों की मांगें उचित हैं, उन्हें जल्द से जल्द इन मांगों को मंजूर करने का पूरा भरोसा दिया। इस अवसर पर हिंगोली संसदीय क्षेत्र के शिवसेना सांसद माननीय हेमंत पाटिल जी भी मौजूद थे। नांदेड़ से बीजेपी के सांसद हरियाणा के प्रतिनिधि के रूप में आई यमुना नगर से आई बहन चरण कौर को देखकर द्रवित हो गए और उन्होंने अपनी मांगों को मानने का भरोसा भी जो है दिया। तो ये आपने देखा कि ये आपको प्रिंट मीडिया है, ये पिक्चर्स है जिसको कि कवर किया गया था यहाँ पर ईपीएस 95 पेंशनर्स की जो राष्ट्रीय अधिवेशन संपन्न हुई है। तो आपको बता दें कि ये बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही थी ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए। और आप अपने राय हमें कमेंट में दीजिएगा दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि अभी अधिक से अधिक से लोग अब जानकारी से अवेयर हो सके और आप सब ईपीएस 95 एनएससी के साथ जुड़ सके और जो है आंदोलन को आगे बढ़ाए और सफल बनाए और पेंशन की मांग को पूरी किया जाए। तो बढ़ते हम इसी के साथ अपनी बात को यहाँ पर समाप्त करेंगे दोस्तों, हम आपसे फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।